तो दोस्तों आज के शानदार गेम प्ले की वीडियो के अंदर हम लोग एक कमाल का गेम प्ले करेंगे जिसका नाम है टॉय स्टोर सिमुलेटर। भाई बहुत ही कमाल का गेम है ये। इसमें गाइस क्या रहता है ना कि गाइस हम लोगों ने ना टॉय शॉप की दुकान खोली है। उसमें गाइस क्या रहेगा कि भाई हम लोग सबसे पहले तो नई दुकान है तो उसको हमको साफ करना होगा। उसके बाद गाइस हम लोग नए नए अपने जो है टॉयज बाय करते हैं जो फिर हमारी दुकान पे कस्टमर आते हैं उनको बाय करके लेके जाते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का गेम होने वाला है। आज के शानदार वीडियो के अंदर उसका गेम प्ले चेकआउट करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। अगर आपको मेरा गेम प्ले पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना बनता है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस यहां पर हमारा गेम शुरू हो चुका है एंड गाइस आप लोग देख पा रहे हो भाई आपके सामने ना भाई आपके भाई की छोटी सी दुकान है जिसका नाम है टॉय शॉप। लेकिन ये छोटी सी दुकान है भाई बहुत बड़ी सिटी के अंदर है एंड गाइस यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि भाई चारों तरफ से ना लोग आ रहे हैं जा रहे हैं पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो सुबह के अभी 8 बजे हुए हैं एंड हम लोगों को क्यों जो भी करना है हम लोग चलो करेंगे। तो पहले यहाँ पे टैब मेन्यू पे क्लिक किया मैंने। यहाँ आप लोग देख पा रहे हो कि पहले मेरे को टॉयज़ को बाय करना है, फिर उनका प्राइस सेट करना है, फिर कस्टमाइज़ करना है सेल्फ को, फिर मतलब कस्टमाइज़ करना है शॉप साइन को, फिर टॉय सेल करने। तो ये हमारे आइटम्स है जो भाई अभी हम लोग को इस गेम के अंदर कंप्लीट अप करना है। तो पहले हम लोग अंदर चलते हैं, सीधा ओपन करते हैं एंड यहाँ पर गाइस हमारी जो शॉप है वो ओपन हो चुकी है। लेकिन ओपन तो हो चुकी है लेकिन कुछ है नहीं अभी इसके अंदर, तो मतलब इसको ऑफ करते हैं अभी। लेकिन मैं अंदर जा सकता हूँ, ये शॉप मैंने ओपन कर दी थी बस। तो ये मेरी दुकान है अभी एंड यहाँ पर आइटम्स है अभी एंड ये मेरा सेल्फ है लगाने के लिए एंड दोस्तों ये मेरा जहाँ पे मैं बिल काटूँगा कोई दुकान पे आएगा तो एंड यहाँ से जो मैं है ना भाई आइटम्स को बाय करके कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टास्क आ जाता है कि बाय टॉयज। सबसे पहले हमको टॉयज को बाय करना है, तो चलो फिर टॉयज को बाय करते हैं। हम दुकान पर आ चुके हैं, होल सेलर ये रहा, स्टोर मैनेजमेंट ये रहा, शॉप ये रही, ग्रोथ ये रहा, वॉल पेपर ये रहे, तो ऑनलाइन ऑर्डर ये रहा। ऑनलाइन ऑर्डर से ही पता नहीं क्या है ये, ऐसा ये ऑर्डर से जो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ इनके अंदर मुझे मतलब ये ऑर्डर्स मिलते हैं मेरे को इधर यहाँ पर। लेकिन मेरे को तो पहले टॉयज को बाय करना है, मैं रिजेक्ट क्यों कर रहा हूँ इनका, मुझे कार्ड में रिजेक्ट करें। तो ये होल सेलर हैं, यहाँ से डक ले सकता हूँ मैं और टर्टल ले सकता हूँ, सैंड बकेट में ले सकता हूँ। तो हम लोग डक ले लेते हैं, चलो एक डक ले लेते हैं। पैसे अपने पास कितने, 50 है हमारे पास, तो हम लोग एक डक ले लेते हैं। ठीक है गाइस, तो डक आ गए, ये हमारे शॉप पर आ गए, यहाँ से हम लोग बाय कर लेते हैं। तो परचेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। परचेस को कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं बाहर। मुझे लग रहा है कि बाहर हमारा प्रोडक्ट आ चुका होगा, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, इसको हम लगाएंगे एंड इसके अंदर जाके हम लोग यहाँ पे फिट कर देते हैं। जैसे कि तुम्हारा भाई लगाता है वैसे तुम्हारा भाई ने यहाँ पर इस प्रोडक्ट को लगा दिया है। तो ये 5 मिले हैं सिर्फ, इसको हम लोग 5 कर लेंगे। लेकिन इस पहले जाके इस बक्से को हम लोग कूड़ेदान के अंदर फेंकेंगे एंड डस्टबिन कहाँ पर है, डस्टबिन हमारा ये रहा, तो इसके अंदर मैंने कूड़े को फेंक दिया। तो कूड़े को फेंकने के बाद हम लोग आ चुके हैं फिर से टैब पे एंड गाइस अब हमको ना प्राइस टैग को जो मतलब हमें डक बाय करी उसको हमें प्राइस सेट करना है। तो हम लोग इधर आएंगे, इस पर आने के बाद जो यूनिट प्राइस है वो $299 की है, मार्केट प्राइस इसका इतना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग बिल्कुल बेस्ट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा कम रखते हैं, मतलब 3.90 हम लोग रखते हैं। यहाँ पर अप्रूव कर दिया मैंने इसको एंड अब मुझे लग रहा है कि हमारी दुकान पर लोग आने लगेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेल्फ कर दिया हमारा कस्ट, अच्छा ये हमारा सेल्फ है, इसको भी चाहो तो मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। कस्टमाइज से मतलब कस्टमाइज़ कैसे कर सकता हूँ मैं, इसको मुझे अभी नहीं पता चल रहा। आई थिंक यहाँ से गाइस कस्टमाइज़ होगा, अगर आपको कस्टमाइज़ करना है हमको सेल्फ को तो यहाँ पर कैसे कि आई थिंक हम लोग, मुझे लगता है कस्टमाइज़ हम लोग कर पाएंगे। ये हमारा स्टोर मैनेजमेंट है, ये हमारी डक आ जाती है, ये लाइसेंस हमारे पास, ये बिल्स है, ये हायर करने का, ये आगे जाके आएगा, ये हमारी शॉप आ जाती है, ये ग्रोथ है, ये बैंक है, ये कस्टमाइजेशन है। तो यहाँ से हम लोग स्टोर कस्टमाइज करते हैं, यहाँ पर हम लोग साइन कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का एक ये हमारा वॉलपेपर आ जाता है, तो हमको देखते हैं हमारा अगला टास्क क्या है। हमारा अगला टास्क था कि कस्टमाइज सेल्फ। अब इस कस्टमाइज सेल्फ कैसे होगा ना ये मुझे पता नहीं चला, आई थिंक यहाँ से कस्टमाइज होगा नहीं, ये तो हमारे दुकान का है, तो ये हमारे दुकान, ये हमारा सेल्फ नहीं है। तो देखो यही आई थिंक सेल्फ है, लेकिन इसको मैं कस्टमाइज़ कैसे करूँगा इस मुझे भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छा इससे कस्टमाइज़ हो सकता है, तो अच्छा ये हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो भाई ग्रीन वाला मस्त लग रहा है, ब्लू वाला भी मस्त लग रहा है, तो हम लोग ग्रीन वाला लगा लेते हैं। इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं सेल्फ के ऊपर एंड बस हम लोग फिर इसको बंद कर देते हैं। तो मेरे गाइस हमारा यह टास्क भी हो चुका है, नाम आ चुका है कस्टमाइज शॉप साइन। अब हमको कस्टमाइज करना है शॉप साइन को, तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। हमारा जो ये हमारा लैपटॉप है, यहाँ पे हमारा जो शॉप का साइन है कस्टमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर यहीं पर था ना कस्टमाइज, ये रहा हमारा शॉप का साइन, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कस्टमाइज, सबसे पहले गाइस यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं अपने शॉप का नाम, गेमिंग एंटीडोट, जो भी भाई आप लोग का मन करे वो आप लोग डाल लेना, जो भी आपको सही लगे आप लोग डाल लीजिए। हमारा फ़ॉन्ट साइज है तो बड़ा कर देते हैं, मस्त लग रहा है। ये हमारा एक्टर स्पेसिंग है तो ये हम थोड़ा सा कम कर देते, ज़्यादा हो रखा था तो वो अच्छा नहीं लगा मेरे को। तो यहाँ से हम लोग साइन लगा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि गाइस की ना कि भाई ब्लू के ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा, इस ब्लू के ऊपर वाइट ही अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से, तो वाइट सीख है बेस्ट है एंड इसको हम लोग डन करते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमारा कस्टमाइज शॉप साइन भी हो चुका है
है ना, बात चुका है। अब हमको भाई क्या करना है, अब हम लोग को जो टॉयज है वो हम लोग को सेल करनी है। तो सेल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कैसे हमको शॉप को ओपन करना है। भाई साहब कितनी मस्त मस्त कार लेके जा रहे हैं, देखना यार कितनी मस्त मस्त कार है भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शॉप को ओपन कर लेते हैं, ये क्लिक करके यहाँ से मैंने। अच्छा अच्छा भाई रात हो चुकी है, तो बेसिकली मुझे अब सोना पड़ेगा, लेकिन मैं सोने के लिए कहाँ पर जा सकता हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा ये मेरे ड्राइव करके, अच्छा ये ड्राइव करने में कहीं पर जा सकता हूँ। अच्छा नाइस यार ये तो कूल है। अच्छा इसको, अच्छा लेकिन गाइस मेरे को सोना है, तो मैं सोने के, अच्छा अच्छा ये हमारा स्कूटर है, इस पर हम लोग कहीं पे घूमने भी जा सकते हैं। अरे भाई साहब चलियो, अरे भाई बड़ी गंदी तरीके से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही है ना गेम की, गेम की थोड़ी सी आवाज़ हम बढ़ाने की ट्राई करते हैं। रुको एक्चुअली में गेम में आवाज़ है ही नहीं गाइस, गेम में ज़्यादा आवाज़ नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो भाई देखो ये हमारी दुकान है, इसको भाई पता नहीं सो कहाँ जाके, लेकिन एक्चुअली में देखो मैप वैप तो है नहीं, तो मुझे पता नहीं मैं सो जाके कहाँ पर। तो हम लोग नीचे उतरते हैं, या तो अंदर ही सोने का होगा, हो सकता है कि भाई अंदर ही सोने का हो, मैंने देखा नहीं हो। तो चलो कैसे देख लेते हैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ सो सकता हूँ क्या मैं, अच्छा यहाँ पर कैसे हम लोग सो सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सो जाते हैं। बट देर आर स्टिल कस्टमर इन साइड दी शॉप। अच्छा भाई दुकान के अंदर कस्टमर आ गए, मैं सोने की ट्राई कर रहा था। तो देखो ये कस्टमर आ चुके हैं हमारी दुकान पर, हम लोग इनको बेच देते हैं, चलो अच्छी बात है। तो भाई इसको देना है, इसने ये लिया, इसने ये लिया, इसको क्या देना है, इसने $3.90 का इसने लिया है, तो उस पर क्लिक करता हूँ मैं। अच्छा पैसे ले लूँ, पैसे तो लेना भूल ही गया मैं इससे, तो मैं इसको चेंज देना है $7.16। तो चेंज दूंगा 1, 2, 3 एंड $16 से वो सेंड देना है, तो 10, 5 और 1। तो यहाँ से मैं इसको चेंज दे के इसको सेल कर देता हूँ, स्पेस दवा के मैं अप्रूव कर देता हूँ। तो अभी दो बंदे और आए कि मोहतरमा आ चुकी है, तो इसको भी हम लोग को देना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो मोहतरमा ने लिए 2 डक एंड इसको मुझे देने हैं $13.54 वापस एक्सचेंज। तो $10 1, 2, 3 एंड ये हो गया हमारा 50 ना, हाँ 50 देना है, तो 50 एंड 1, 2, 3, 4। तो यहाँ से गाइस मैंने इसको भी दे दिया, तो स्पेस बाकी इसको भी हम लोग टाटा बाय बाय बोल देते हैं। अब ये भैया और आ चुके हैं, तो इसको हमको और देना है, इसको भी हम लोग अप्रूव करेंगे, इसको भी हम लोग जीते पैचे हम लोग वापस दे देंगे। इसको मुझे चेंज देना 1.10, तो 1 और ये हमारा, इसको भी मैंने 10 दे दिया। एंड यहाँ से गाइस हम लोग इसको भी अप्रूव करके इसको भी हम टाटा बाय बाय बोल देते हैं। अच्छा ये भी बाकी है अभी, ये अपने लगता है मुझे अपने बच्चों के लेके जा रहा होगा, ये मैं अपने बच्चों के लेके जा रहा, मैं पक्का बोल सकता हूँ। तो इसको मुझे कितना देना है, 17.51 सेंट, तो 10, 5, 1, 2 एंड 50 एंड 1। तो इसको मैंने इतना भी सेंट दे के इसको हम लोग टाटा बाय बाय बोल देते हैं। तो गाइस ये हमारे कस्टमर के आ चुके हैं, हम लोग अब वापस आ चुके हैं। एंड गाइस अब हम लोग देख लिए कि गाइस हम लोगों ने बहुत सारे टास्क हमने कंप्लीट कर लिए, लेकिन गाइस अब हो रही है रात, अब रात हो रही है, तो गाइस हम लोग सो जाते हैं, कल सुबह हम लोग काम करेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। तो सो जाते हैं यहाँ पर आग बंद करके। हाँ अब मुझे पता है एक्चुअली भी नींद आ रही है, सच बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर गाइस हम लोग देख पा रहे कि हमने 2 कस्टमर हैं हमारी दुकान पर, हम लोगों ने टोटल कस्टमर 4 आए थे, पता नहीं क्या आई है, हमारी इतनी इनकम हुई है, इतनी सप्लाई हुआ है, टोटल मिलाकर प्रॉफिट हमारा हुआ 50 डॉलर का, हमारा टोटल मिलाकर प्रॉफिट हुआ है। एंड ये हमारा अगला सुबह हो चुकी है, तब हमें टास्क मिल जाता है कि अपने को अब जो फ्लोर है फ्लोर को साफ करना है। तो फ्लोर को साफ करने के लिए यहाँ से हम लोग मॉप लेंगे, यहाँ से हम लोग इसको चलो साफ कर देते हैं एक बार ये ले। तो यहाँ पर मैंने मॉप को साफ कर दिया, तो हम लोग इसको फिर हम लोग थ्रो कर देते हैं अभी। एंड अब आ जाता है कि रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम ऑनलाइन ऑर्डर, तो उससे पहले हम लोग को ऑर्डर रिसीव, ऑनलाइन ऑर्डर हमको रिसीव करना है, लेकिन उससे पहले गाइस प्रोडक्ट तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग एक बार प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं। ओके गाइस प्रोडक्ट हमारे पास है नहीं गाइस, तो प्रोडक्ट कैसे मंगवाने, प्रोडक्ट मंगवाने पड़ेंगे उससे पहले तो हमारे को। तो यहाँ से हम लोग होलसेलर पे आते हैं, यहाँ से हम टर्टल हम लोग बाय कर लेते हैं, टर्टल और हम लोग डक हम लोग बाय कर लेते, दोनों चीज़ें हम लोग बाय कर लेते इधर से। तो ये लो, तो यहाँ पर हम गाइस हम लोगों ने प्रोडक्ट बाय कर लिया है एंड इनको हम लोग एक बार लगा देते हैं दुकान में। बस इनका मैं प्राइस, दुकान हमारी अभी ऑफ पड़ी है ना, ऑन है दुकान हमारी अभी क्लोज पड़ी है, तो उसको भी हम लोग ऑन नहीं करेंगे। पहले गाइस हम लोग यहाँ पर टर्टल वर्टल लगा देते हैं, मज़ा आएगा। ये सिर्फ 4 ही आते हैं इसके अंदर, थोड़े और आते हैं ना मज़ा आ जाता है। यहाँ पर जाम लग गया लग रहा है मुझे, यहाँ पर जाम लग गया मुझे, जाम ही लग रहा है क्या पता, इन लोग रुक, ये देखो क्या, देखो कहाँ फंसा रखा बैठा कार को, इसका अलग ड्रामे चल रहा है इस बंदे के। चलो कोई बात नहीं, तो इसको हम लोग मंगवा लिए एंड इसको मंगवाना, तो इसको भी हम लोग लगा लेते हैं अंदर तक जाके, मज़ा आ जाएगा। तो ये बता के गाइस इस बार भी हम लोग इनको लगा देते, तो ये लो। तो यहाँ पे मैंने बत्तख को भी नीचे हमारे पास, ये कछुए से हो गया, ऊपर हमारे बत्तख हमने लगा दिए सेल होने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। एंड गाइस अब हमें को ऑर्डर रिसीव करना ऑनलाइन, तो यहाँ पे गाइस प्राइस थोड़ा मैंने सेट कर रखा है पहले से, इसका मार्केट प्राइस 69 है, तो हम लोग 6.90 डाल देते हैं। ओके एंड गाइस इसका जो प्राइस था, इसका प्राइस गाइस हम लोगों ने डाला ही हुआ है, इसका जो प्राइस था वो 3.90 था, तो ठीक है इसका प्राइस हम लोग 4.10 डाल देते हैं, जो 4 डाल देते हैं।
एंड उसके बाद हमको दुकान से ना भाई ऑर्डर एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दुकान पे ऑर्डर आ चुके हैं, ये दबाना सही तो प्लेस का आ रहा था, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद लोग यहाँ पर देखने मिल जाता है कि इसको कैंसिल करना पड़ेगा। ये हमारा आ जाता है वो ऑनलाइन ऑर्डर, ये आ रहा है तीन ऑर्डर आ रखे। अच्छा मैं समझ रहा हूँ गाइस क्या है कि यहाँ से मुझे ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, एंड ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के बाद ना ये मेरा ऑर्डर क्रिएट हो गया है, इसको बैक करना है। एंड ये मेरा ऑर्डर है क्या, आई थिंक, अच्छा ये मेरा ऑर्डर है गाइस। एंड इस ऑर्डर को मेरे को लेके जाना है बैठ के, भाई मज़ा तो आएगा भाई, ठीक है। मेरा स्कूटर कहाँ है यहाँ पर, तो स्कूटर है ही नहीं यार मेरा, अरे यार मुझे लगा था मेरा स्कूटर होगा, वहाँ जाके करूँगा मज़ा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। मुझे बेसिकली यहाँ पर ला के इसको रखना है, ये क्या है यहाँ मुझे रखना है इसको। अच्छा ये डिलीवर मेरा प्रोडक्ट हो चुका है, तो वैसे अभी हम लोगों ने ऑर्डर पे डिलीवर कर दिया, हम लोगों ने दुकान वो मतलब टॉयज भी बाय कर लिए। अब आ चुका है बाय डेकोरेशन, मतलब हम जो डेकोरेशन के लिए सामान होता है ना, हमको डेकोरेशन के लिए सामान को बाय करना है। तो ये हमारा आ चुका है डेकोरेशन का सामान बाय, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। एक बार इस पर क्लिक करता हूँ मैं, अरे हेलो अब इस पर क्लिक नहीं कर पा, अच्छा ठीक है अब आ गए थोड़ा सा। अब तो यहाँ पर दोबारा फ्लिक क्लिक करता हूँ एक बार मैं, अरे यार थोड़ा सा पता नहीं क्या ही हो रहा है। हाँ इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो ये दो ऑर्डर हो रहे हैं, इनको हम लोग बाद में लेंगे, पहले हम लोग डेकोरेशन के लिए सामान बाय कर लेते हैं। तो डेकोरेशन के लिए सामान बाय करने के लिए वॉलपेपर आ जाता है हमारा, वॉलपेपर हम लोग ये बाय कर लेते हैं। चलो ये मस्त लग रहा है, इसको कैंसिल करते हैं। नहीं 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 बाय डेकोरेशन, देखो यार यहाँ से तो डेकोरेशन हमारा बाय नहीं हो सकता क्योंकि ये तुम्हारी दुकान का सामान है, ये तुम्हारी रिसेप्शन है। बाहर में आता हूँ तो बाहर ऐसा कुछ है नहीं इधर, तो डेकोरेशन के लिए क्या कोई ऐसा कुछ तो नहीं कि मेरे को किसी और कहीं जाना पड़ेगा मेरे को, जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, है ना। ऐसा हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है कि ऐसा कोई हो कुछ जो मुझे अंदाज़ा ना हो यहाँ पर। चलो हम लोग एक काम करते हैं, दोबारा हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहीं पे कहीं होगा देखो भाई डेकोरेशन का सामान बाय करने का। ये होल सेलर का आ जाता है, तो स्टोर इंप्रूवमेंट है, रैक है, मोप है, हैंगिंग रैक है, कॉर्नर रैक है, बास्केट रैक है, ओवरऑल रैक है, मतलब ये रैक है जो मतलब बेसिकली हम प्ले करते रहेंगे तो गेम को हमारी दुकान बड़ी होगी, तो उसके लिए हमारा है। ये हमारा लाइसेंस है, ये हमारे बिल्स है यहाँ पे देखने के लिए, ये हमारी शॉप आ जाती है। डेकोरेशन का सामान देखो ये रहा, तो डेकोरेशन के लिए मुझे कहीं पहले लेवल 3 करना पड़ेगा, लेवल 3 जब मेरा हो जाएगा ना तो मैं डेकोरेशन का सामान बाय कर पाऊंगा। तो अभी तो मेरा लेवल 3 नहीं हो पाएगा, अभी मेरा लेवल क्या है, मेरा लेवल 1 है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग स्टोर को ओपन करते हैं, सामान को बेचते हैं, अपने लेवल 2, 3, 5, 7 सब कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टोर को ओपन कर दिया है, एंड गाइस अब हमारी दुकान पे लोग आने लगेंगे, ठीक है जल्दी से आ जाओ। हेलो हेलो, कोई दुकान पे आ नहीं रहा यार, देखियो सारे स्टक से हो गए। ये सर कार में बैठ सकता हूँ मैं, नहीं नहीं कार में बैठ नहीं सकता यार, कार में कैसे बैठ सकता हूँ मैं। तो देखो ये मुझे लग रहा है हमारी दुकान पे आएगा अभी, आएगा क्या, अरे ये क्या बात है, तो भी आएगा, ये देखो ये भी दुकान पे आएगा अभी। अरे आ जा कैन फ्रेंड्स, अरे तेरी सारा गाली सुन के जाएगा क्या, आइटम्स आए नहीं दुकान पे, देखो ये आएगी ये लेडीज है आंटी जी दीदी को जी बोल यार जो मैं अच्छा लगा, ये भी आएगी अब आ जा। क्या कैन फाइंड, अच्छा सैंड बकेट इसको चाहिए यार, ओहो अच्छा सैंड बकेट मुझे इसको चाहिए, मैंने सैंड बकेट बाय नहीं कर रखी ना, ऐसे इसलिए हो रहा है। चलो इसको हम लोग एक बार चेंज देते हैं, फिर हम लोग एक काम करते हैं सैंड बकेट का हम लोग इसको देंगे, ठीक है गाइस। तो सैंड बकेट हम लोग बाय कर लेते हैं, तभी तो गाइस हमारा लेवल बढ़ेगा। तुम्हारा लेवल अब गज, अभी तो लेवल 2 करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा यार, लेवल 2 करने के लिए भाई बेसिकली अपने को लेवल 2 पे, अभी तो अपना लेवल 1 है यार। ओके भाई साहब ये तो खतरनाक चीज़ है बहुत ज़्यादा, तो इसको हम लोग एक बार दे देते हैं, फिर से हम लोग बाइक हम लेवल 2 करने की ट्राई करते हैं। एक तो इनके पास कोई क्रेडिट कार्ड लेके नहीं आ रहा, देखना इनमें से लगता है गेम जिसने गेम बनाया वो भूल गया कि क्रेडिट कार्ड से भी हम लोग पेमेंट करी जा सकती है आजकल, तो इसने भाई इसने क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन से नहीं दे रखा है। मतलब एक काम करते हैं यहाँ से लगे और बकेट बाय बत्तक को बाय कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा वो सेलर है, ये सैंड बकेट बाय करनी है, तो पैसे नहीं है क्या मेरे पास, पैसे तो बहुत सारे हैं मेरे पास, तो लो भाई मैं ना सब कुछ बाय कर लेता हूँ बहुत कुछ, मतलब मैंने तुम्हारे भाई ने बहुत कुछ बाय कर लिया अब, ठीक है ये लो अब कितना हो गया 48, अब तुम्हारे बहुत कुछ बाय कर लिया है, एंड मैं इतना सामान बेचूंगा कि तुम्हारे भाई पैसे कमा कमा के अंधों में पागल हो जाएगा तुम्हारा भाई, इतने पैसे कमा लूँगा, रुको मैं अभी। तो यहाँ पर लगा देते हैं ये लो, तो इसको लगा दिया। और भाई दुकान पे बहुत सारे लोग हमारे आ चुके हैं, दुकान में मुझे प्रॉपर्टी सामान को भेजा करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी मेरे को। तो इसको ये एक तो ना इतना दो दो सामान लेके जाते हैं बड़ा क्लच, ये अच्छा जहाँ मैंने बोला गया इस भाई पे क्रेडिट कार्ड लेके आ गया है बंदा, जिसको प्ले करना है इस पे पे क्लिक करना है, अच्छा अमाउंट है 10.90, तो 10.90 मतलब जहाँ मैंने बोला ना कि इस पे कोई क्रेडिट कार्ड लेके नहीं आ रहे वहीं पे लोग क्रेडिट कार्ड लेके आ गए, ठीक है। अभी ये टोटल पेमेंट है 4, चेंज में इसको दिया $4, तो इसको मैं 1, 2, 3, 4 एंड $4 में इसको दे देता हूँ, एंड चलो फिर अब आगे चलो, ठीक है मोहतरमा। अब इसको मुझे देना है, इसको कितना देना है, इसका आ चुका है मुझे 4, इसको मुझे देना है 4.10, तो 1, 2, 3, 4
10 एंड आप भी सर आगे चलो ठीक है। अब आपकी बारी है, आपको क्या इतना देना, इसको इसने एक ही बाइक है अभी एक तो यार ये मुझे क्लच जा रही है मेरी, मैं क्यों नहीं जब एक थोड़ा थोड़ा सामान दे रहे हैं मेरी बहुत ज़्यादा क्लच जा रही है, सच बता रहा हूँ मैं, कैंसिल करो इसको। अरे मैं क्राउच हो गया, तो यार मुझे क्राउच नहीं करना था, कैंसिल हो गया गलती से। अरे कैसे होगा, खड़ा कैसे करूँ मैं इसको, यार ये बैठ गया, शिट मैन। अरे क्या क्या हो गया, शिट यार क्या, मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये मैंने गलती से रिसेप्शन उठा लिया अपनी यार, अब मैं इस कहाँ लगाऊँ इसको, यहाँ लगा दी भाई गलती से, तो नहीं हटा दी मैंने यार, थोड़ी सी गलती होगी ठीक है भाई। मैं तो क्राउच के पता नहीं, ये क्राउच कर कंट्रोल्स देखने पड़ेगा एक बार, रुको एक बार, कंट्रोल्स कमिंग सून है। अरे यार फिर क्राउच करके बैठा रहूँगा मैं मिसम है, चलो अब ठीक हो गया, अरे पता नहीं क्या ही हो गया था। मुझे इसको देना है टोटल मिला के 12, तो ये मैंने किसने दे दिया था इसको 12 देना है, तो 10 दे दिया, चलो कोई बात नहीं, चलो थोड़ा ज़्यादा दे दिया इसको मैं, डर्टी क्या होगा कि नाराज़ क्यों हो रही है। इसको मुझे कितना देना है, हाँ इसको मुझे वापस देना पड़ेगा $4 मेरे को काटने ठीक है इसके, तो 1 चलो आप भी फिर आगे चलो। ओके तो इसको आगे, अब इसको एक बार उठा लेता हूँ, इसको मैं एक बार उठा लूँ क्या गाइस, इसको एक बार उठा लेते यार, इसको ना यहाँ प्लेस कर लेते दोबारा से, पता नहीं गलती से कहाँ ले गया था मैं इसको, और यहाँ अब इसको प्लेस नहीं कर पा रहा है, रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट करते रुको यार, क्या मजा गंदा मजाक हो गया, नहीं देखियो यार इसको मैं कहाँ लगाऊँ अब, यहीं लगा दे, ले भाई ले यहीं लगा दे, ये जगह भी सही है ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ये बेस्ट है। तो फिर से हम चलते हैं ये दुकान पे, अच्छा डे ओवर हो गया, सॉरी डे ओवर हो गया, तो मुझे सोना जाना सीधा, तो जब सोने चलते हैं गाइस, ये इनको इनको पड़े रहने दो, क्या सो सकता हूँ मैं, अरे नहीं अभी कस्टमर जा ही नहीं रहे फिर मेरी दुकान से, ये कस्टमर अब जा ही नहीं रहे तो मैं क्या करूँ बताओ, अब ये पता नहीं लोग ये स्टक से हो गए, हेलो अच्छा इनसे भाई इससे मैं बात भी कर सकता हूँ ठीक है, इससे बात कर सकता हूँ इनसे मैं, लेकिन यार ये कस्टमर जा नहीं रहे मेरी दुकान से, मैं कैसे बताऊँ। अच्छा डर्टी हो रखा तो इसलिए सामान नहीं बाय कर रहे, ऐसा कुछ है क्या ऐसा, अच्छा ये डर्टी हो गया तो हो इसलिए सामान नहीं बाय कर रहे थे, कैसे लोग हैं इनको, तो इंडिया में बुलाओ इनको, इनको पता चले कितने डर्टी है यहाँ पे, इसलिए सामान बाय नहीं करते, ऐसा कुछ तो नहीं था। नहीं भाई ये पता नहीं क्यों नाराज से लग रहे हैं मेरे को, ये पता नहीं सामान बाय करना नहीं चाह रहे। तो चलिए गाइस कोई बात नहीं, आई होप गाइस मेरा गेम प्ले आपको पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छा गेम है इस, बेसिकली गाइस इस गेम में हम लोगों ने नई टॉय की दुकान खोली है, अगर देखो ये तुम्हारा पहला दिन था तो इसलिए गाइस हुआ क्या ना एक्चुअली में, कि भाई इतना सारा हमारे पास इतना कुछ करने को अपने को नहीं मिला पहले दिन, लेकिन गेम को प्ले करते रहोगे तो गाइस गेम में बहुत कुछ आ जाएगा, आगे जाके नए नए स्टोर्स मैंने आपको दिखा दिए कि कैसे कैसे खिलौने भाई इस गेम में आ जाते हैं, हम लोग कैसे अपनी दुकान को बड़ा कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, तो बहुत कुछ करने को आपको इस गेम में मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको मेरा गेम प्ले पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बनता है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरी आपसे मुलाकात होगी अगली जबरदस्त वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।